है, हमने 5 डेटा सेंटर कुल मिलाकर आपके लिए तैयार किए हैं। डेटा सेंटर नंबर 1 लखनऊ से आप इस वक्त हमारे सहयोगी वीरेश पांडे को सुन रहे थे, जो आगे भी विश्लेषण और सरकार से मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं से बातचीत करते रहेंगे। इसके अलावा मेरे 3 और सहयोगी अलग अलग डेटा सेंटर से हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए सबसे पहले आपको उन सबके पास मैं लिए चलती हूं और आपको बताते हैं कि कुल मिलाकर इस बजट को हमने डाटा सेंटर्स जो अलग अलग है 12 सेक्टर्स में विभाजित किया और इस वक्त राजीव स्क्रीन पर है। राजीव बताइएगा किन सेक्टर्स की बात आज आप करने जा रहे हैं और उससे जुड़ी क्या जानकारी आप देंगे। जी आस्था, बहुत महत्वपूर्ण बजट है, आखिरी बजट है इस कार्यकाल का, बहुत बड़ा बजट हो सकता है। मंत्री खुद कह रहे हैं, वित्त मंत्री हमारे साथ जुड़े थे कि हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा जो फोकस होगा, मैं जो दर्शकों को जानकारी दूंगा वो दूंगा पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कि ऊर्जा के क्षेत्र में इस बार इस बजट में क्या क्या खास होता है। इसके साथ शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या योगी सरकार लाने वाली है इस बजट में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या एलोकेट होगा, कितना एलोकेट होगा ये मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ मेट्रो से जुड़ी हुई जितनी भी एलोकेशंस होंगी, जितना भी आवंटन होगा उसकी जानकारी मैं यहां से दर्शकों को दूंगा। चलिए आप जुड़े रहिए राजीव, विस्तार से चर्चा के लिए हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन हम आपको डाटा सेंटर नंबर 2 लिए चलते हैं। प्राची मेरी सहयोगी, और प्राची आपके पास कौन कौन से सेक्टर्स और उनकी डिटेल उपलब्ध है और क्या जानकारी आप दर्शकों को देंगे यहाँ से? बिल्कुल आस्था, देखिए हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस बजट की हर एक बात अपने दर्शकों तक पहुंचाएं और इसीलिए हम डेटा सेंटर 2 पर मौजूद हैं और यहां से हम जो बताएंगे अपने दर्शकों को, हम एयरपोर्ट के बारे में बताएंगे कि इस बजट में कितने एयरपोर्ट यूपी को मिलने वाले हैं, कितना बजट उनके लिए आवंटित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ हम कानून व्यवस्था को लेकर भी इस डेटा सेंटर से बात करेंगे कि पिछले बजट में कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके का बजट था और इस बार योगी सरकार कानून व्यवस्था पर कैसे फोकस कर रही है। और इसके साथ ही साथ आस्था हम सड़क परिवहन की बात भी यहां से जरूर बताएंगे, क्योंकि सड़क किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है ये हम सब जानते हैं, उसको लेकर योगी सरकार इस बजट में क्या प्रावधान कर रही है ये हम अपने इस डेटा सेंटर 2 से बताएंगे। आस्था बिल्कुल, सड़क है, एक्सप्रेसवेज है, उसका जाल किस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में फैल रहा है इस पर प्राची से चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको अब राजेंद्र के पास लिए चलते हैं, वो भी अगले डेटा सेंटर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी आपके पास कौन सी जानकारी, कौन कौन से सेक्टर्स की डिटेल है? आस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है युवाओं का और युवाओं के रोजगार का, जिसको लेकर विपक्ष बहुत मुखर रहा है, तो इस बजट में युवाओं के लिए क्या खास है और पिछले बजट में युवाओं के लिए क्या एलोकेट किया गया था, ये सब कुछ आप इस डेटा सेंटर से दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और महिला एवं बाल विकास, ये 2 और सेक्टर्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, हम जानते हैं कि कोरोना काल में कितना अचानक उसका महत्व कितना बढ़ गया और अभी पिछला जो यूनियन बजट था उसमें कैसे उसका एलोकेशन बढ़ाया गया, तो पिछली बार क्या था 2020-21 के बजट में और इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पर किस तरह से फोकस करने जा रही है, वो सब कुछ दर्शकों तक इस डेटा सेंटर से पहुंचेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की बात भी यही से होगी। जी हाँ बिल्कुल, राजेंद्र, प्राची और राजीव आप सभी हमारे साथ बने रहिए, सीधे एक बार फिर से लखनऊ लिए चल रहे हैं अपने दर्शकों को। शैलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेश के साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। शैलेश शॉर्ट में उनसे जानिए कि क्या उम्मीदें उनकी हैं, स्टूडेंट्स आपके साथ हैं, युवा हैं, उन पर भी खासतौर पर फोकस रहेगा इस बार बजट में, उम्मीद यही है? बिल्कुल निश्चित रूप से, देखिए इस बार का जो बजट है वो माना जा सकता है युवाओं पर पूरी तरह से केंद्रित नजर आ सकता है, क्योंकि इससे पहले जो बजट रहे चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य सरकार, सबने यूथ के ऊपर काफी फोकस किया है। सीधे हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे जिनके मुद्दे पर बात है और उनसे जानेंगे कि आखिर वो इस बजट में क्या चाहते हैं। आप देख सकते हैं यूथ जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। आप प्लीज खड़े होइएगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाइस्तनाज, मेरी जो सरकार से ये मतलब मेरी सरकार से ये निवेदन है कि हमारे यूथ का अगर इन्हांसमेंट करना है तो बच्चों को अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ देनी चाहिए हर कॉलेज वगैरह में। हाँ, किस तरह की फैसिलिटीज़ की आप उम्मीद? जैसे अगर बहुत से बच्चे स्पोर्ट्स स्किल्स बहुत अच्छी होती है उनकी, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता कि वो इसको शो करें, तो एज अ टूर्नामेंट ये सब लॉन्च करना चाहिए कॉलेज को जो है, ताकि बच्चे आगे बढ़ सके और अपने आप जो अपनी स्किल है उसको शो कर सके। अच्छा, आपका नाम? प्रगति। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज आए, क्योंकि अभी भी कई ऐसे बच्चे हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट से मतलब जूझ रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए जॉब की। कौन कौन से सेक्टर से आपको लगता है जहाँ पर वैकेंसीज और बढ़ाई जानी चाहिए? जैसे कि मतलब टीचिंग सेक्टर्स में और भी मतलब कई सेक्टर्स हैं। वैकेंसी कुल मिलाकर एम्प्लॉयमेंट यानी जो हमेशा युवाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए बजट में, ये उम्मीद है इनकी। आपका नाम प्लीज? सर मेरा नाम माही अग्रवाल है।
मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि पिछले कुछ 10-11 महीनों से हमारी एजुकेशनल पॉलिसी पूरी ऑनलाइन हो गई है। हमारे माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप्स पे, जूम ऐप्स पे हमारी मीटिंग्स होती है, पर काफ़ी बच्चों के पास स्पेशली रूरल एरियाज़ में उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है। एंड्रॉयड की, टैबलेट की स्पेशली नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से वो अपनी एजुकेशनल कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि हमें एंड्रॉयड्स की फैसिलिटी होनी चाहिए और रूरल एरियाज़ में स्पेशली नेटवर्क इशू है तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए। आपका नाम? सर तासीर अहमद सिद्दीकी। सर, हम इस बजट में चाहेंगे कि जिन युवाओं को जो है अभी तक मौका नहीं मिल पाया है गवर्नमेंट जॉब के लिए, और तो सर उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी सर दी जाए। वैसे तो सरकार ने अपना काम बहुत अच्छा किया है अभी तक के, जो उसने वादे किए थे आपके, क्या कहते हैं, 1 लाख समथिंग पोस्ट जो शिक्षक भर्ती करनी थी वो सरकार ने उसको पूरा बिल्कुल किया। बिल्कुल। तो युवाओं का ये कहना है कि टेक्नोलॉजी से उनको जोड़ा जाए, उनके स्पेशल स्किल के लिए अलग प्लेटफॉर्म स्कूलों में उपलब्ध हो, और सबसे बड़ी बात रोजगार की निकलकर सामने आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगरा का रुख करेंगे। नितिन उपाध्याय हमारे साथ हैं और उनके साथ मौजूद है कुछ किसान। किसानों का मुद्दा पूरे देश में इस वक्त चल रहा है, क्या कह रहे हैं किसान नितिन? देखिए बिल्कुल आस्था, इस समय जो पूरा जो बजट है लग रहा है कि किसान केंद्रित होगा, ऐसा सरकार दावा कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि चुनावी चाशनी में पगा हुआ ये बजट क्या किसानों का भला कर पाएगा या नहीं। आगरा के तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। श्याम जी, आप बताइए, 5.5 लाख करोड़ का आज बजट आने वाला है, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है, कुछ मिलेगा जब मुख्यमंत्री अपना पिटारा खोलेंगे? जो मुख्यमंत्री का जो बजट आ रहा है, 4 बजट पहले आ चुके, ये आखिरी बजट है। हमें तो ये महसूस होता है कि जो इतना बजट आया है ये घोषित कर रहे हैं, कहीं ये कागजों में सीमित नहीं रह जाए, इसमें से 50% किसानों के पक्ष में आए तो बजट है। जो इन्होंने कई घोषणाएं की थी वो सारी की सारी अधूरी, केवल कागज। आपको क्या लग रहा है बजट से, क्या कुछ उम्मीद पाले हुए? किसान, मजदूर और श्रमिक इस बजट से उम्मीद लगा के बैठ रहा था कि ये यूपी सरकार कुछ ऐसा बजट लाएगी जो इनके लिए कुछ लाभ मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई लाभ मिलने वाला है। सवाल ये भी है ना सर, इस समय किसान बिल्कुल केंद्र में है, देश की राजनीति। बिल्कुल, तो किसान जो है बड़ी उम्मीद, किसान जो है बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्योंकि एक तरफ जो किसान आंदोलन है उसके 90 दिन पूरे हो चुके हैं। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर हमें लखनऊ से मिल रही है, और खबर ये कि बजट पेश होने से पहले कैबिनेट की बैठक हो रही है। थोड़ी देर में सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी। मतलब बजट पेश करने से पहले जो प्रक्रिया होती है, जो औपचारिकता होती है, उसके लिए थोड़ी देर बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है और उसमें इस बजट को मंजूरी दी जाएगी। बड़ी खबर लखनऊ से, बजट पेश होने से पहले कैबिनेट की बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है और थोड़ी देर में सीएम आवास पर कैबिनेट की यह बैठक होगी, जिसमें वित्त मंत्री मुख्यमंत्री को पूरे बजट का एक शॉर्ट ब्रीफ देंगे। पूरी कैबिनेट इस बजट को अप्रूव करेगी और फिर इस बजट को मंजूरी दे दी जाएगी, और ठीक 11 बजे विधानसभा के अंदर यह बजट पढ़ा जाएगा, जिसका सबको इंतजार है, ना सिर्फ प्रदेश को बल्कि देश को भी, इस लिहाज से क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य का यह अंतिम पूर्ण बजट है मौजूदा सरकार का। तो कैबिनेट बैठक में जाने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट को लेकर एबीपी गंगा पर क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवा देते हैं। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज सदन में इस सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश करेंगे और ये अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। सुबह सुबह आप देखिए मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं सर, आज प्रदेश की जनता बजट का इंतजार कर रही है। जी हाँ, प्रदेश की जनता के लिए आज 11 बजे योगी सरकार का बजट आएगा और ये बजट सबका साथ सबका विश्वास तो चरितार्थ भी करेगा। ये बजट आम आदमी को समर्पित होगा। अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा और पहली बार पेपरलेस बजट होगा, ये हो सकता है। पेपरलेस बजट तो होगा, लेकिन बड़ा छोटा के बारे में बाद में बात करेंगे। चुनावी वर्ष है तो क्या लोक लुभावन योजनाएं ज़्यादा होंगी? देखिए, हमारे लिए चुनावी वर्ष कोई माने नहीं रखता है। हम तो एक चुनाव समाप्त होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी करते हैं। दूसरी बात यह कि चुनाव होने का मतलब ये नहीं सारे कल्याणकारी कार्य रोक दिए जाएँ। सभी कल्याण वाले काम जो हैं, जो जन कल्याण के लिए आवश्यक हैं, वो होते रहते हैं, वो होते रहेंगे। इसके लिए इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब चुनाव। किसान, युवा, महिलाओं पर खास फोकस रहेगा क्योंकि एजेंडा लगातार सरकार का यही रहा है। ये देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, स्वास्थ्य भी है, किसान भी है, महिला भी है, युवा भी है, ये तो सब हमारे एजेंडे में पहले से ही है। 5,50,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट हो सकता है? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब बजट का दिन है तो वित्त मंत्री थोड़ा टेंशन में रहते हैं कि आप तो रिलैक्स बिल्कुल मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं।
सबसे बड़ा बजट, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आश्वासन दे रहे हैं वित्त मंत्री। तो आइए चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अन्नदाताओं से जुड़े हुए मुद्दे की, लेकिन ये बात आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि इस बार योगी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी और अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है। सरकार इस बार 5,50,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर सकती है। साथ ही इस बार का जो बजट है वो पेपरलेस है, मतलब कोई पेपर नहीं है, पेपरलेस बजट है, टेक्नोलॉजी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यानी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना स्क्रीन देखकर बजट पढ़ेंगे, विधानसभा हॉल में एक स्क्रीन लगी होगी और उस स्क्रीन को देखकर वित्त मंत्री बजट पढ़ेंगे। पहली बार विधानसभा में बजट भाषण पढ़ने के लिए स्क्रीन लगाई जा रही है। तो ये तमाम बातें हैं जो इस बजट को अलग करती हैं बाकी बजट से। लेकिन चलिए सेक्टर वाइज बात करें तो सबसे पहले कृषि और सिंचाई के बारे में आपको बता देते हैं। कृषि के बजट के लिए 2.7% पिछली बार एलोकेट किया गया था और जिसमें मध्य गंगा नहर परियोजना के लिए 1,736 करोड़ रुपए सरकार ने एलोकेट किए थे। सरयू नहर परियोजना की बात की जाए तो उसके लिए 1,554 करोड़ रुपए और किसानों के लिए खासतौर पर 102 लाख मीट्रिक टन खाद का वितरण किया जाना था। ये घोषणाएं जो थी वो पिछले बजट में की गई थी। किसानों के बिजली बिल बकाए के लिए 1200 करोड़ रुपए पिछली बार दिए गए थे। और सबसे अहम बात देखिए जो इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बनकर उभर रहा है वो है गन्ना किसानों का भुगतान। 46.20 लाख गन्ना किसानों को 86,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किए जाने की बात है। तो कृषि और सिंचाई इस क्षेत्र में मध्य गंगा नहर परियोजना 1,736 करोड़ रुपए इसके लिए पिछले बजट में एलोकेट किए गए थे। एक एक करके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कौन सी योजना कृषि से जुड़ी हुई और उसके लिए कितना सरकार ने एलोकेट किया था। सरयू नहर परियोजना की बात करें तो 1,554 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए इसके लिए पिछले बजट में। और इसके अलावा आगे बढ़े तो किसानों के लिए 102 लाख मीट्रिक टन खाद के वितरण की योजना पिछले साल सरकार ने बजट में घोषित की थी। ये एक बहुत अहम बात है। इसके अलावा 1200 करोड़ रुपए किसानों के बिजली बकाए के लिए भी सरकार ने एलोकेट किए थे। तो ये वो बड़ी बातें हैं जो कृषि सेक्टर से जुड़ी हुई घोषणाएं पिछले बजट में की गई थी, लेकिन उनका असर ग्राउंड पे कितना दिखा है, आम किसान क्या सोचता है, ये जानने के लिए सीधा नितिन उपाध्याय का रुख करते हैं। उनके साथ किसान मौजूद हैं आगरा से। नितिन, क्या कह रहे किसान, ये जो तमाम हजारों करोड़ की योजनाएं कृषि सेक्टर के लिए सरकार ने दी थी उसका कुछ असर ग्राउंड पर नजर आ रहा है, क्या मानना है किसानों का और आगे क्या उम्मीद है उनको? तो लगता है नितिन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। नितिन, क्या कह रहा है आम किसान, क्या उम्मीद अब आगे है उसको? देखिए बिल्कुल चुनावी वर्ष है और ऐसे में जब देश की राजनीति में किसान केंद्र में बना हुआ हो तो किसानों की बात करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तमाम किसान हमारे साथ हैं। आगरा आलू बेल्ट है, यहाँ पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा अगर आलू का उत्पादन होता है तो आगरा में होता है। तमाम किसान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए किस तरह से लगता है कि इस समय 2022 की शुरुआत में इतने इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आज जो बजट है ये पूर्ण बजट है, आखिरी बजट है योगी सरकार का, कुछ मिलेगा आपको? इसमें कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, ये तो केवल कागज में अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और दिखावा करते हैं, हाथ फेंक के ये जनता को खुश करते हैं। इन्होंने आज तक अब पेट्रोल और डीजल के दाम चरम सीमा पर पहुंचा दिए हैं। ये जो कि किसान को पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ रहे हैं तो आपकी किसानी पर कितना असर पड़ रहा है, आपकी डे टू डे बेसिस पर पूरा का पूरा असर है? कोई भी सामान ले जाएंगे तो उसका मूल्यांकन करके मिलेगा। तो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे किसानों को परेशानी है, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रैक्टर या फिर जो यंत्र हैं कृषि के वो डीजल से चलते हैं और इसीलिए उनको उम्मीद है कि इस पर सरकार कुछ राहत दे। सीधे अब आपको डेटा सेंटर नंबर 2 लिए चलते हैं जहां मौजूद है मेरी सहयोगी प्राची पाराशर और उनसे जानते हैं कि एयरपोर्ट के लिए क्या सौगातें उत्तर प्रदेश में पिछले बजट में दी गई थी। प्राची बताइए कितना पूरा हुआ ये वायदा? ओवर टू यू। बिल्कुल आस्था, देखिए जैसे इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो बजट है वो सबसे बड़ा बजट होगा और इसमें उम्मीदें लोगों की पूरी होंगी, लेकिन एबीपी गंगा इन ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को ये बता रहा है कि पिछली बार एयरपोर्ट के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए 2,000 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से बजट में आवंटित किए गए थे। जेवर एयरपोर्ट जिसको लेकर लगातार हम खबरें अपने दर्शकों को बताते हैं। फिर अयोध्या एयरपोर्ट
ट्रांसपोर्ट के लिए भी 500 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से इस बजट पे आवंटित किए गए थे। ये हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता रहे हैं। फिर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट्स के लिए 92.5 करोड़ रुपए आस्था आवंटित किए गए थे सरकार की तरफ से। तो ये पूरा एयरपोर्ट को लेकर जो सरकार का प्लानिंग थी वो पिछले वर्ष हमें देखने को मिली थी। अब ये कितना पूरा हुआ, कितना पूरा नहीं हुआ, ये जरूर बहस का विषय है। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा उम्मीदें हैं। इस बार ये समझा जा सकता है कि ये जो ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं इससे कहीं ज्यादा एयरपोर्ट के माध्यम से विकास किया जा सकता है। आस्था, लगातार हम अपने दर्शकों को ये ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार जीवर में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए गए थे, जबकि अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए थे। प्रदेश में करीब 17 एयरपोर्ट लगभग अभी तैयार भी हो गए हैं, यानी लगातार एयरपोर्ट पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि जो कनेक्टिविटी है उत्तर प्रदेश की वो किसी भी मायने में पीछे ना रह जाए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है। 2010 में केंद्र से यूपी में करीब 17 नए रूट पर हवाई सेवा को मंजूरी मिली थी। ये सबसे अहम बात है। अगर एयरपोर्ट के लिहाज से हम देखें, यूपी सरकार ने नगर विमानन प्रोत्साहन निधि 2017 को लागू किया था और अपने बजट में भी बड़े बड़े प्रावधान सरकार की तरफ से किए गए थे। इसलिए इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ और बड़ी घोषणाएं इस बार हो सकती हैं। कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण लगभग अब पूरा हो चुका है, यानी वो चीजें अब हम बता रहे हैं जो सरकार ने पूरी कर ली है। ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर भी तेजी से काम अभी चल ही रहा है, वहां पर भी निर्माण कार्य चल रहा है ताकि जल्द से जल्द ये जो एयरपोर्ट है ये बनकर पूरा हो जाए और इसकी सुविधा लोगों को मिल सके। जो जिस कनेक्टिविटी का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं वो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के हाथ से विकास के योगदान में बहुत ही ज्यादा अच्छी आस्था साबित वाकई वाकई। तो मतलब एयरलाइंस के लिहाज से देखा जाए, एयरपोर्ट के लिहाज से देखा जाए, हवाई सुविधाओं की उत्तर प्रदेश से कनेक्टिविटी की बात की जाए तो उसमें पिछले साल की तुलना में अब काफी बढ़ोतरी हुई है। आपको डेटा के हिसाब से बताऊं तो प्रदेश में अभी लगभग 17 एयरपोर्ट्स बनकर तैयार हैं और कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर काम चल रहा है। सीधे रुख करते हैं शैलेश का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, बात चाहे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हो जिसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट के लिए तेजी से काम चल रहा है, इसको तो एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, और अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के लिए भी धनराशि की घोषणा संभव है इस बजट में। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जिन तीन एयरपोर्ट्स का आपने जिक्र किया है उनके लिए अच्छा खासा बजट जो है वो सरकार की तरफ से दिया जा सकता है। वजह ये है कि जो जेवर एयरपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम हुआ और उसके बाद अब उसको जल्द से जल्द चालू करने के लिए काम चल रहा है, फर्म का चयन हो चुका है। और इसके लिए क्योंकि देखिए पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए एक बड़े बजट की भी जरूरत होगी और इसी दिशा में काम चल रहा है। अगर हम बात करते हैं अयोध्या की तो देखिए अयोध्या में जो श्रीराम एयरपोर्ट बन रहा है वहां पर अभी जमीन अधिग्रहण का काम है, किसानों के मुआवजे के लिए पैसे की जरूरत होगी जिनकी जमीनें ली जाएगी जिन ग्रामीण क्षेत्रों की। इसके अलावा वहां पर सुविधाओं को एयरपोर्ट के लिए डेवलप करना होगा तो एक बड़ा बजट वहां पर भी चाहिए। कुशीनगर की अगर बात करें, देखिए एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है और अयोध्या जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे, देखिए अयोध्या भी अब एक विश्व स्तरीय आध्यात्मिक पर्यटन नगरी के रूप में उसको विकसित करने की बात चल रही है तो उसी दिशा में काम भी चल रहा है। कंसल्टेंसी फर्म का चयन हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर भी एयरपोर्ट जो बनेगा वो साधारण एयरपोर्ट नहीं हो सकता है, उसे उसी कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में बहुत हद तक काम हो चुका है और भविष्य के लिए भी बहुत बड़ी योजनाएं हैं और लगातार तेजी से जो है उनके काम किए जा रहे हैं।